सो गाइज, एज वी ऑल नो, आईपीएल 2022 में दो नई टीम्स का एडिशन होने वाला है और आईपीएल 2022 में 8 नई 10 टीम्स होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबली इन 10 टीम्स के कैप्टन कौन होंगे। देखो, बहुत सारे टीम्स के कैप्टन जो है वो तो हम सभी को पता है, लेकिन दो नई टीम्स होगी या फिर और जो कुछ टीम होगी जो अपने कैप्टन चेंज कर सकती है उसका भी हम प्रेडिक्शन करेंगे। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन नो डाउट महेंद्र सिंह धोनी होने वाले हैं। वैसे बहुत लोग का ऐसा मानना है कि ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीजन होगा, बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज अगर सीएसके अच्छा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है सीएसके को कुछ चेंज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन में जब मेगा ऑक्शन होगा सीएसके एमएस धोनी को फोर्स और रिटेन करेगा और नेक्स्ट सीजन में भी हमें महेंद्र सिंह धोनी ही सीएसके की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इसके बाद दूसरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स। अब यहाँ पे दो नाम आता है, श्रेयस अय्यर एंड ऋषभ पंत का। मैं जाना चाहूँगा श्रेयस अय्यर के साथ। नो डाउट दिल्ली कैपिटल्स अय्यर एंड पंत दोनों को रिटेन करेगा, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अय्यर को कैप्टन बनाएगा। देन आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान नो डाउट विराट कोहली होने वाले हैं नेक्स्ट सीजन में भी, या फिर आप कह सकते हो अगले 4-5 सीजन्स में भी। इसके बाद जो अगली टीम है वो है मुंबई इंडियंस। इसका भी कोई डाउट नहीं है, रोहित शर्मा अगले आप कह सकते हो 5-6 सीजन के लिए रोहित शर्मा इस टीम के कैप्टन होने वाले हैं। देन राजस्थान रॉयल्स। अब देखो, कुछ लोग यहाँ पे चेंजेस चाहेंगे, कुछ लोगों का मानना होगा जॉस बटलर, कुछ लोगों का मानना होगा बेन स्टोक्स, बट मैं जो अभी करंट कैप्टन है संजू सैमसन उसी के साथ जाना चाहूँगा एंड मैं चाहूँगा कि राजस्थान उन पर और फेथ दिखाए और उन्हीं को अभी फिलहाल के लिए तो कप्तान रहने दे। अगली टीम है पर पंजाब किंग्स। देखो, भले ही पंजाब बहुत टाइम से अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन बात करें उनके कैप्टन केएल राहुल के बारे में तो उस प्लेयर ने हर सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो बल्लेबाजी से हो, कप्तानी भी अच्छी है, लेकिन पंजाब की टीम कभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखती है। इस साल नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई, लेकिन मैं चाहूँगा कि केएल राहुल के साथ ही जाए पंजाब किंग्स। देन यहाँ पे नंबर 7 पे जो टीम आती है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। अब केकेआर का कैप्टन कौन होगा ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा, बिकॉज ऑयन मॉर्गन प्रोबेबली आईपीएल 2022 में केकेआर में हमें ना देखने को मिले, बिकॉज केकेआर बहुत टाइम से अच्छा नहीं कर पाए। तो अकॉर्डिंग टू मी केकेआर रिवैम्प करेगा, जिसके कारण ऑयन मॉर्गन भी बाहर जाएंगे और मुझे लगता नहीं है कि ऑयन मॉर्गन पे आरटीएम यूज़ करेगा कोलकाता नाइट राइडर्स। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि डेविड वार्नर हमें कोलकाता की कप्तानी करते हुए देख सकते हैं आईपीएल 2022 में। आपका इसके ऊपर क्या कहना है नीचे कमेंट्स में लेकर बताओ। आखिरी जो टीम है जो अभी प्रेजेंट में है सनराइजर्स हैदराबाद, उसके कैप्टन मेरे अकॉर्डिंग केन विलियमसन होने वाले हैं। अगर हैदराबाद ने विलियमसन पे इतना फेथ दिखाया है इस सीज़न में, बीच में कप्तान बना दिया, तो नेक्स्ट सीजन में भी उनको मौका देना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारी जो न्यू टू टीम्स आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहली न्यू टीम होगी उसके कप्तान मेरे अकॉर्डिंग स्टीव स्मिथ होने वाले हैं। देखो, स्टीव स्मिथ बहुत आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं, राजस्थान के लिए भी कर चुके हैं, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी कर चुके हैं, सो नो डाउट कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो अच्छे कप्तान हैं एंड रिजल्ट्स भी अच्छा रहा है। सिर्फ पिछला साल छोड़ दे जो जब वो राजस्थान में थे, उसके अलावा वो जब भी कप्तानी किया उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनकी टीम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू टीम होगी वो स्टीव स्मिथ को टारगेट करेगी। नो डाउट दिल्ली स्टीव स्मिथ को रिलीज कर पाएगा, बिकॉज मेगा ऑक्शन में बिल्कुल चांस ही नहीं है स्टीव स्मिथ के रिटेन होने का। तो जो पहली न्यू टीम होगी उसके कप्तान होंगे स्टीव स्मिथ। इसके बाद जो दूसरी न्यू टीम होगी और हमारी आखिरी टीम यानी कि 10वीं टीम, इसके कैप्टन मेरे अकॉर्डिंग देखो एक सरप्राइज है, सूर्य कुमार यादव। मैं आपको पहले भी बता चुका है कि सूर्य कुमार यादव एंड ईशान किशन दोनों ऑक्शन में जाने वाले हैं, बिकॉज मुंबई सिर्फ मतलब कोई भी टीम ऐसा रूल है आईपीएल में कि मेगा ऑक्शन के दौरान जब रिटेंशन पीरियड होता है वहाँ पे आप मैक्सिमम 3 कैप प्लेयर को रिटेन कर सकते हो एंड वो प्लेयर होने वाले हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या मुंबई की तरफ से। तो मुंबई की टीम सूर्य एंड ईशान को रिटेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो दोनों प्लेयर कैप प्लेयर हो चुके हैं, इंडिया के लिए भी अब खेलते हैं, तो मुंबई उनको रिटेन नहीं कर पाएगा। अगर ये ऑक्शन में जाते हैं बहुत ज़्यादा बिड लगने वाला है, ये तो मैंने प्रेडिक्ट भी कर दिया कि मेरे अकॉर्डिंग शायद स्काई पे सबसे ज़्यादा बिड लग जाए नेक्स्ट सीजन में एंड मेरे अकॉर्डिंग जो न्यू टीम आएगी वो स्काई को टारगेट करेगी और स्काई को अपना कैप्टन भी बनाएगी, ये मेरा मानना है। तो गाइस, ये थे आईपीएल 2022 में जो 10 टीमें होने वाली है उनके प्रोबेबल कैप्टन मेरे अकॉर्डिंग। आपका इसके ऊपर क्या विचार है
आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। अभी के लिए सोरम बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बचाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बना सकूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।